हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने ये पूरा कंप्लीट किया हुआ था भाई, एबीसीडी ऑफ वेव, मतलब वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेव, वेव वेलोसिटी, ये देखो ना रिलेशन, इसका मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ था। इसको मिटाते हैं और अभी चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पूरा एक एक पार्ट। ये ऐसा लेक्चर है ना, मैं ये बोल रहा हूं कि जिसको वेव आगे चलकर कोई 11th में हो, 12th में हो, किसी भी में हो, नीट में हो, तो उसको इतना पार्ट, इतना जितना पार्ट है उतना जरूरी ही उसको समझना। अगर वो ये मेरा ये लेक्चर अगर उसको आएगा तो वो वेव समझ में आएगा, नहीं तो वेव का मतलब ही नहीं समझ में आएगा, तो वेव वेव लेकर उसको डर लगने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज कंफ्यूजन ना, कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा लेक्चर क्या है, बड़ा होगा लेकिन आपको वो डिटेल में समझ में आएगा। अगर चाहो तो मैं आधे घंटे में पूरा पूरा चैप्टर को बता दूं, ऐसे निकल जाएगा, लेकिन फिर उसके अंदर आपको कुछ चीजें नहीं मिलेंगी जिससे आपको कुछ जिंदगी में आगे कुछ कर सको यार। तो आपको लगेगा मैं आधे घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ा के दिखाऊंगा, देख लेना ये पूरा चैप्टर मैं आधे घंटे में रिकैप करूंगा एक बार, वो भी देखना, वो भी वीडियो मौजूद रहेगा, उसको भी देखना। लेकिन यहां पे मैं डिटेल में जा रहा हूं, उसके बाद आधे घंटे वाले वीडियो देखोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो मैंने भाई ये भी कंप्लीट कर दिया, कौन सा, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर वेव, ये भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। लैम्डा, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, हमने वहां पे न्यू से नहीं स्मॉल एफ से डिनोट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी। अब स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। अब आता है स्पीड ऑफ साउंड, सोच लो, तो अभी आता है स्पीड ऑफ साउंड, वेव के बारे में पढ़ ली, अब आता है स्पीड ऑफ साउंड कि भाई साउंड की स्पीड क्या होती है। तो साउंड की स्पीड अगर निकालना हो तो हम सेम फॉर्मूला तरीका अपनाएंगे, वेव की स्पीड, क्योंकि साउंड वेव है तो साउंड की स्पीड चाहे वेव की स्पीड एक ही बात है ना भाई। तो हमने अभी जस्ट पुराना पढ़ा हुआ था, चलो हेडिंग पहले डाल दें यार, स्पीड ऑफ साउंड, कि नहीं, स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड की स्पीड अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, एग्जैक्टली देखते हैं साउंड की स्पीड क्या होती है, जिसको हम लोग V से ही डिनोट करते हैं, टेंशन नहीं, V से डिनोट करते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड है क्या भाई, सिंपल सी बात है, साउंड एक वेव है तो वेव की स्पीड ही साउंड की स्पीड है। तो अगर मैं बोलूं साउंड की स्पीड क्या होती है भाई, तो आप अभी पहले कुछ देर पहले पढ़े थे कि लैम्डा डिवाइड बाय टाइम, लैम्डा वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, और साउंड ही वेव है तो स्पीड ऑफ साउंड इज नथिंग बट लैम्डा डिवाइड बाय टी। तो स्पीड ऑफ साउंड इज नथिंग बट रेशियो ऑफ वेवलेंथ टू द टाइम पीरियड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड, है कि नहीं। अब अगर इसका फॉर्मूला लिखो, वन अपॉन टी की जगह पर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, मैंने बताया था, तो एफ इंटू एल लैम्डा, ये क्या कहलाएगा, ये भी स्पीड ऑफ साउंड कहलाएगा। एक साइकिल अगर कंप्लीट होगा तो भाई हम लैम्डा को हम क्या बोल देते हैं, एक साइकिल के लिए 2 पाई, तो कभी भी V इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो जहां जरूरत पड़ेगा हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये यार स्पीड ऑफ साउंड बोलो या स्पीड ऑफ वेव बोलो, क्योंकि साउंड ही वेव है भाई, साउंड ही तो वेव है ना, तो स्पीड ऑफ साउंड बोलो या स्पीड ऑफ वेव बोलो, ये क्या होगा, V इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी या V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, ये फॉर्मूला मिल गया। अब यहां पे स्पीड ऑफ साउंड जो है, साउंड की स्पीड अलग अलग जगह पर क्या कैसे होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड अगर देखा जाए, स्पीड ऑफ साउंड अगर देखा जाए तो सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उसका कैसा स्पीड होता है, ये ऐसे निकल गया। अच्छा, आप आराम से निकाल भी सकते हो, अगर कैलकुलेट कर रहा हो स्पीड ऑफ साउंड तो आपको सिर्फ क्या क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चाहिए, मिल जाएगा। तो अगर मान लो कहीं पे वाइब्रेशन है, कोई इंसान बोल रहा है, तो सिर्फ इतना ही देख लो कि इसका वेवलेंथ कितना है, इंसान जो बोल रहा है उसका वेवलेंथ कितना है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। वेवलेंथ मतलब भाई एक पूरा साइकिल की दूरी कितनी है और एक पूरा पूरा एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, कितने बार वाइब्रेट कर रहा है, यह पता चल जाए तो आपको स्पीड ऑफ साउंड आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हो। तो यह साइंटिफिकली आराम से क्या है, वेवलेंथ भी निकाल दिया जाता है भाई मशीनरी सिस्टम से, और फ्रीक्वेंसी भी निकाल दिया जाता है, और उसको पुट कर दोगे तो स्पीड ऑफ साउंड एयर में अलग मिल जाएगा, ठीक है, लिक्विड के अंदर अलग मिल जाएगा, सॉलिड के अंदर अलग मिल जाएगा, तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर क्या होगा भाई,
किसी एयर मतलब हम नॉर्मली गैस बात कर लो, गैस के अंदर कितना होता है, लिक्विड के अंदर कितना होता है भाई, हालांकि अलग अलग लिक्विड के अंदर अलग अलग होगा, लेकिन नॉर्मली कोई लिक्विड ले लिया जाए तो उसके अंदर कितना होता है, और सॉलिड के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो कितना होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर जगह अलग अलग होता है। क्यों? अरे बात समझो, एयर पार्टिकल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, बात को समझो, एयर पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ऐसे मान लो दूर दूर है, ठीक है। लिक्विड पार्टिकल थोड़े से नजदीक होते हैं, थोड़े से नजदीक रहेंगे, और जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो कुछ ज्यादा ही नजदीक होते हैं, एक दूसरे से सटे रहेंगे भाई, ऐसे ऐसे है कि नहीं। अब बात को समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो ये एयर पार्टिकल हुए कहीं दूर दूर, इतने दूर दूर पे, लिक्विड में थोड़े नजदीक, सॉलिड में काफी नजदीक हो गए, देखो ना कितना नजदीक हो गए। तो सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे के नजदीक होते हैं। अब मैंने बोला साउंड एक वेव है, तो जब डिस्टर्ब करोगे यहां पे एक एयर पार्टिकल को, दूसरे एयर पार्टिकल तक डिस्टर्ब होने के लिए क्या है, पार्टिकल दूर है ना, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो जाएगी। लिक्विड के अंदर क्या होगा, नजदीक थोड़े पार्टिकल होते हैं, तो एक को डिस्टर्ब करोगे दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, और उसकी वजह से क्या होता है, आराम से स्पीड उसकी साउंड की ज्यादा हो जाएगी, इसलिए लिक्विड के अंदर स्पीड आपको साउंड ज्यादा सुनाई पड़ेगा, किसके, एयर के मुकाबले। अगर सॉलिड की बात करो, सॉलिड के अंदर तो पार्टिकल एकदम बिल्कुल सटे सटे हैं, एकदम बिल्कुल करीब करीब है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे, देखो ना मैं कर रहा हूं डिस्टर्ब, आ गया आवाज यहां पे, हवा के, हवा वाले पार्टिकल देखो, हवा के पार्टिकल को कर रहा हूं, देखो ठीक है, हवा के पार्टिकल कर रहा हूं, आवाज नहीं आ रही होगी, इतना तेज कर रहा हूं, क्योंकि हवा के पार्टिकल दूर दूर हैं, उनको डिस्टर्ब करोगे तो एक दूसरे से जाने में देर लगता है, लेकिन सॉलिड पार्टिकल को हमने टच किया, देखो आवाज आ रही है, क्यों, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल नजदीक नजदीक होते हैं तो फटाक से एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं और हमें सुनाई पड़ने लगता है। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े करीब होते हैं लेकिन सॉलिड कितना नहीं, इसलिए लिक्विड के अंदर भी आप मारोगे तो आवाज आएगी, लेकिन गैस के अंदर, एयर के अंदर पार्टिकल दूर दूर होते हैं इसलिए सुनाई ज्यादा नहीं पड़ता है। तो इससे पता क्या चला कि सबसे ज्यादा स्पीड जो होगी साउंड की किसके अंदर होगी, सॉलिड के अंदर, क्योंकि मैंने बोला यार कि साउंड कैसे होता है, साउंड क्या करता है, एक वेव है, और वेव के अंदर क्या होता है, पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह, फिर आपको सुनाई पड़ता है। तो सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर साउंड जो है स्पीड होगी, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद फिर गैस। तो स्पीड ऑफ अगर देखा जाए, साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर, उसके बाद फिर लिक्विड के अंदर, उसके बाद फिर गैस के अंदर होगी, अगर ऐसे लिखा जाए तो, है कि नहीं बात समझ में। ये बात तो एक छोटी सी बात हो गई, साइंटिस्ट लोग ने इसको इसको निकाला हुआ है, इसको निकाला, प्रूफ किया कि भाई स्पीड ऑफ साउंड गैस के अंदर रियल में होगी कितना। ये आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है, लेकिन 11 में मैं प्रूफ करूंगा, आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं, यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है, सिर्फ बताया भाई स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितना होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जीरो डिग्री पर, जीरो डिग्री सेल्सियस पर, अब ये क्या बोल रहा हूं सर, ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से स्पीड ऑफ साउंड बदलता है। अच्छा एक बात बताओ, खुद आप, खुद मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, किसी सॉलिड को अगर गर्म करोगे तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, तो सॉलिड को गर्म करोगे तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा भाई, फर्क हो जाएगा ना, फर्क होगा ना, घटेगा या बढ़ेगा वो तो एक अलग चीज होगी। ये सॉलिड के अंदर भाई अगर गर्म करोगे ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे तो आवाज कम आएगी, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ूंगा एयर के बारे में, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो सुन रहे हो आवाज एक दूसरे से वो सब एयर के अंदर ही सुन रहे हो, पानी के अंदर जा जाकर डुबकी लगा के नहीं सुन रहे हो, है कि नहीं। तो इसलिए पहले सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो एयर के अंदर। तो एयर के अंदर अगर जीरो डिग्री सेल्सियस लिया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड जो है 332 मीटर पर सेकेंड निकाला गया है। कितना होता भाई स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट जीरो डिग्री सेल्सियस, एट जीरो डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड। और अगर 20 डिग्री पर लिया जाए तो बदल जाएगा, वो क्यों बदलेगा मैं समझाऊंगा। और लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो होता है 1532 मीटर पर सेकेंड।
और सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो 5130, भाई देखो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, एक दो नंबर कोई लेना देना नहीं है, मीटर पर सेकेंड। तो इसको इसको समझो 330 32, और इसको 1500 समझो, इसको 5000 समझो। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ये जो स्पीड ऑफ साउंड होता है एयर में वो 300 लगभग 332, लेकिन लिक्विड के अंदर वो इसका 5 गुना होता है। तो अगर देखा जाए, एक बात जानकारी मिली कि लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो कितना होता है, तो आप बोल सकते हो कि लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड 5 गुना होता है, 5 times होता है किसका, स्पीड ऑफ एयर का। तो मैं बोलूं ये जो होगा, तो स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज 5 times टू द स्पीड ऑफ एयर, लगो ना लगभग लगभग, ठीक है, तो लगभग लगभग 5 गुना होता है स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड एयर से। तो लिक्विड के अंदर ज्यादा सुनाई पड़ेगा एयर के मुकाबले, वो भी 5 गुना। अच्छा ये देखो ना, ये कितना है सॉलिड का अगर कंपेयर किया जाए, देखो ना मैं लगभग लगभग बात कर रहा हूं, अगर सॉलिड का देखा जाए, सॉलिड की स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड के मुकाबले लगभग 3 गुना होती है, देखो ना 15 into 3 लगभग 3 गुना, तो 3 गुना होती है, 3 times मैं बोल रहा हूं। तो स्पीड ऑफ लिक्विड, अगर स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड अगर बोला जाए तो लिक्विड का लगभग 3 गुना ज्यादा होता है, लिक्विड से भी 3 गुना ज्यादा, लेकिन अगर एयर का कंपेयर किया जाए तो कितना गुना हो गया, जरा बताओ ना। अगर एयर का कंपेयर करो तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड लगभग 15 से 16 गुना हो जाएगा, 15 times, अंदाजा लगा लो 15 times हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि सॉलिड के अंदर कितना स्पीड होती है, तो अगर एयर का कंपेयर करो, जो आप करते हो एयर का कंपेयर, तो लगभग 15 गुना से ज्यादा, 15 गुना हो जाएगा, 15 times हो जाएगा कितना, एयर के मुकाबले। तो उसके मतलब सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होता है। वही वजह है ना कि रेलवे ट्रैक पे पहले क्या करते थे, रेल अभी भी ट्रेन जो आती है, ट्रेन 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर पहले ही हम ट्रेन के अगर रेल पे जाएं, पटरी पे अगर कान लगाएं तो वाइब्रेशन से हमें सुनाई पड़ेगा कि ट्रेन आ रही है, पहले ऐसे पता लगा लेते थे। तो वाइब्रेशन जो सॉलिड के अंदर होता है, सॉलिड के अंदर स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है अगर देखा जाए किसके, एयर के मुकाबले, है कि नहीं। ये बात तो मैंने तीनों की कर लिया, लेकिन बार बार हमें फोकस किस पे करना होता है, ये इस पर। लेकिन मैंने स्पीड ऑफ साउंड बता दिया भाई कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में, लिक्विड में, सॉलिड में कितना होता है, कैसे होता है, क्यों ज्यादा होता है ये भी बता दिया, उसके बाद कितना होता है ये भी बता दिया, कितना टाइम्स होता है ये भी बता दिया मैंने। ये बात क्लियर किया कि नहीं बताओ। उसके बाद अगर से हम बात करें नॉर्मली, चलो एयर की ही बात करो, क्योंकि हमें जो ज्यादातर पढ़ना होता है वो एयर पढ़ना होता है, समझे ना, ज्यादातर जो हमें पढ़ना होता है वो एयर पढ़ना होता है। तो तीनों के बारे में जानकारी रखो, लेकिन हमें क्या करना रहेगा, तीनों को हटाकर ध्यान किस पर देना रहेगा, सिर्फ एयर पर। तो इसको मिटाता हूं और सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बात करता हूं। कुछ वजह है, क्योंकि यही हमें नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है भाई, ज्यादातर जो होता है हमें यही इस्तेमाल किया जाता है ना, यही यूज किया जाता है, इसी से हम सुनते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 meters per second एट 0°C। यहां से बात मैंने रोक दिया था, अब आगे बढ़ा रहा हूं। अब अगर चे 1°C बढ़ा दोगे, मान लो 0 से 1°C कर दोगे, 1°C, तो इसकी स्पीड 332.6 meters per second हो जाएगी। ये क्या हो रहा है सर, हो क्या रहा है बताओ ना, भोग इस ये रहा है कि 1°C टेम्परेचर बढ़ाने पर जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो 0.6 meters per second बढ़ जाता है। उसके मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये मैं जो बोल रहा हूं ना ये अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली चेक करके देखा गया है, स्पीड ऑफ साउंड को 0°C के अंदर देखा गया, बोला गया और सुना, उसको स्पीड को मेजर किया गया, डॉपलर इफेक्ट से बहुत आसानी से मेजर किया सकता है, ठीक है। तो देखा गया डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर एक साइंटिस्ट था, उसने ये तरीका बताया था, तो मेजर किया गया तो 332 meters per second आया। जैसे टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाए, देखे कि टेम्परेचर जैसे बढ़ा स्पीड बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ाए, यहां तक कि जब 0°C से टेम्परेचर को बढ़ाकर 20°C कर दिए, 20°C, तो देख रहे हैं कि इसकी स्पीड 344 meters per second होगी।
अरे हाँ जी यही हुआ है, जब 20 डिग्री कर दिया गया तो इसका टेम्परेचर 12 डिग्री बढ़ गया और ये बन गया 344 मीटर पर सेकेंड। अंदाजा लगा लो, ये बात सच है, जब टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो स्पीड ऑफ साउंड वो लगातार बढ़ता चला गया, 20 डिग्री करने पर 344 हो गया, तो 20 डिग्री करने पर 12 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया, उसके मतलब हर एक डिग्री सेल्सियस पर 0.6 मीटर पर सेकेंड टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है, ये बात याद रखना। सो फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीजेज बाई 0.6 मीटर पर सेकेंड, ये बात मान रहे हो, प्रैक्टिकली ये देखा गया। तो कोई बोले 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जितना स्पीड ऑफ साउंड होगा क्या उतना ही नॉर्मल रहेगा, तो आप बोलना नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होगा। तो ये बात तो आपको सिंपल सा पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है, और कितना बढ़ता है, 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है प्रत्येक, यानी पर डिग्री सेल्सियस, हर एक डिग्री सेल्सियस पर 0.6 मीटर पर सेकेंड टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, साइंटिफिकली इसको चेक करके देखा गया। तो अगर टेम्परेचर गर्मी का दिन बहुत ज्यादा, देखो जब बहुत ज्यादा गर्म होता है तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, एकदम गर्म रहेगा तो देखोगे कि भाई थोड़ी सी भी आवाज क्या है आराम से सुनाई पड़ती है, बहुत ज्यादा जब गर्म होता है ड्राई तो थोड़ा सा भी आवाज क्या होता है बहुत आसानी से सुनाई पड़ता है। उसका वजह यही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है और आवाज सुनाई पड़ता है। तो टेम्परेचर यानी गर्मी बढ़ने पर, गर्मी नहीं बोल रहा हूं मैं, टेम्परेचर बोल रहा हूं, गर्मी और टेम्परेचर दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बताऊंगा मैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पर जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड होता है वो बढ़ता रहता है। इसका मतलब यह पता चला यार कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ओके, तो चलो देखते हैं ना भाई, एक बात और भी पता चला ना यार कि स्पीड ऑफ साउंड ये क्लाइमेटिक चीजों पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर ये आ गया, देखो ना ये आ गया यार, फैक्टर अफेक्ट्स फॉर स्पीड ऑफ साउंड, उसके मतलब ये जो फैक्टर है, कुछ फैक्टर हैं, फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड पर डिपेंड करते हैं। जैसे सबसे पहला हमने बोला फैक्टर्स इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, है कि नहीं, फैक्टर इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड, नंबर वन पहले बता दिया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से क्या होगा भाई, अब इसको हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर से क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी इंक्रीज। देखो मैं एयर की बात कर रहा हूं भाई, लिक्विड सॉलिड की बात ही नहीं कर रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि एयर ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो एयर पे अगर देखी जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है, ठीक है, ये बात क्लियर। और कितना बढ़ता है पर डिग्री सेल्सियस, हर एक डिग्री सेल्सियस में 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है, इसीलिए 20 डिग्री पर 12 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। अगर 20 डिग्री बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे तो ये 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, क्लियर कट यहां पे सामने समझा दिया भाई, क्लियर। तो आपको ये टेम्परेचर का बात बता दिया। दूसरी बात ये, आप क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, जो पढ़ रहे हो बहुत अंदर तक पढ़ने की कोशिश करो, तभी मजा आने वाला है। अगर इसी को हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझें, कैसे मालूम है कि सर सुबह सुबह फिर ट्रेन की आवाज, ठीक है, कोई भी गाड़ी रहती है उसकी सुबह सुबह उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, सुबह तो टेम्परेचर ठंडा होता है सर, टेम्परेचर कम होता है फिर सुनाई पड़ता है क्यों, दोपहर में सर गर्मी होती है फिर भी सुनाई नहीं पड़ता है, तो आप तो उल्टा बता रहे हो सर। सही बात है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा करना चाहिए कि सर आप गलत बता रहे हो, दोपहर में तो आवाज नहीं सुनाई पड़ती है, दोपहर में गर्म होता है और सुबह सुबह ठंडी होती है तो आवाज सुनाई पड़ती है। बेटा वो ठंडी और गर्मी की वजह से आवाज का फर्क नहीं होता है, वो टेम्परेचर का लेना देना नहीं होता है, वहां पे एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग मॉइस्चर बोलेंगे, याद रखना बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है मॉइस्चर। ये मैं आपको बता रहा हूं सीबीएसई में अगर देखा जाए तो ये टर्म, अगर ये नॉर्मली कुछ कुछ बोर्ड में क्या है, महाराष्ट्र बोर्ड में देखा जाए तो ये एडेड होता है, सीबीएसई में देखा जाए तो ये नहीं होता, ऐसे ऊपर ऊपर चले जाते हैं, लेकिन इस सबको जरूरी है जानना है, एक एक इंसान को जानना जरूरी है, ठीक है।
ह्यूमिडिटी में अगर देखा जाए, ह्यूमिडिटी जो होती है उसके बढ़ने की वजह से टेम्परेचर की स्पीड क्या होती है, घटती है, सॉरी साउंड की स्पीड क्या घटती है। दोपहर में क्या होता है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है। मॉइस्चर मतलब एयर का पार्टिकल, पानी का पार्टिकल एयर के अंदर होना, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर। जब गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, बॉम्बे में देखो ना कितना ज्यादा आपको मॉइस्चर, कितना ज्यादा स्वेटिंग होता है। जब ज्यादा स्वेटिंग होता है तो मॉइस्चर ज्यादा होता है, जब ज्यादा मॉइस्चर होगा तो पार्टिकल सब क्या रहेंगे, पूरे पूरे भरे रहेंगे, आवाज को जाने से रोकेंगे, एयर पार्टिकल को मूव करने से रोकेंगे, क्योंकि वो मॉइस्ट हो चुके होंगे ना, तो चल नहीं पाएंगे ज्यादा। ड्राई रहेंगे तो चलेंगे ना, तो जब गीले रहेंगे तो उसकी उनका वेट ज्यादा रहेगा तो चल नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से होता क्या है, मॉइस्चर जो सुबह सुबह वो कम हो जाता है। सुबह सुबह देखो ना फॉग बनकर सारा सारा मॉइस्चर क्या है, गिरने लगता है जमीन पर, इसलिए मॉइस्चर क्या होता है, कम पड़ जाता है। ठंडक में मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाता है नॉर्मली, तो जो ठंडा होता है थोड़ा, तो मॉइस्चर क्या होता है, कम हो जाता है। तो मॉइस्चर कम होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ता है। मॉइस्चर जब ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। तो जब ज्यादा ज्यादा स्वेटिंग होगा, तो दोपहर में ज्यादा स्वेटिंग होता है, दोपहर में गर्मी होती है, तो गर्मी टेम्परेचर का वो लेना देना नहीं, हो मॉइस्चर हो जाता है, एयर हवा का पानी का पार्टिकल पूरा हवा में मौजूद होता है, और जिसकी वजह से हमें आवाज कम सुनाई पड़ती है। तो मॉइस्चर बढ़ेगा, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मॉइस्चर बढ़ेगा तो आवाज कम होगा। अगर मॉइस्चर घटेगा तो घटेगा कब, देखो सुबह सुबह पूरा फॉग बनके क्या, और ड्यूज बनके ओस बनके क्या है, पानी नीचे गिर जाता है, तो इसके वजह से क्या है, पूरा पूरा क्लाइमेट खाली होता है। ये बारिश के बाद देखो ना, बारिश जब हो जाए उसके बाद देखो कि आवाज ज्यादा सुनाई पड़ने लगता है गाड़ियों की, क्यों, क्योंकि बारिश से क्या होता है, पूरा पूरा जो मॉइस्चर था वो नीचे जमीन पर गिर गया, अब बचा पूरा पूरा खाली खाली, हाँ मॉइस्चर नहीं बचा, तो इसकी वजह से आवाज फटाफट जाती है। तो मॉइस्चर ज्यादा होगा तो आवाज कम होगी। तो सुबह जो हमें सुनाई पड़ता है वो टेम्परेचर नहीं होता है, वो हमारा मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर की वजह से ऐसा, इसीलिए देखो 8-9 बजे तक आपको फिर भी टेम्परेचर बढ़ा रहता है, फिर भी आपको आवाज ज्यादा सुनाई पड़ता है, बाद में क्या है, कम सुनाई पड़ने लगता है, क्यों, क्योंकि उसका वजह क्या है, मॉइस्चर बढ़ जाता है, लोग चलने लगते हैं, फिरने लगते हैं, उनसे स्वेटिंग होता है, तो इसकी वजह से गाड़ियां होती है उनके अंदर से, तो इसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर बढ़ने की वजह से आवाज हमें कम सुनाई पड़ता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब समझने की चीज है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया टेम्परेचर, दूसरा बता दिया हमने मॉइस्चर, तीसरी बात अगर मैं करूं बेटा वो क्या है मालूम है, वो है डेंसिटी। डेंसिटी समझ लो एक मॉइस्चर ही की तरह है भाई, जब डेंसिटी बढ़ेगी, गर्दी जब बढ़ेगी कहीं भी, आवाज सुनाई पड़ता है, बताओ। अब ज्यादा भीड़ भाड़ रहता है तो आवाज सुनाई पड़ता है, खुद ही बताओ ना, जब क्लास पूरा खचाखच भरा रहेगा तो आवाज क्या है, चिल्लाकर बोलना पड़ता है, आवाज जाती नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ जाता है बेटा। तो डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी मतलब पूरा जो क्या है, नंबर ऑफ वॉल्यूम, मासेस जब बढ़ जाएंगे किसी जगह पर, तो मासेस जब बढ़ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। जो जब डेंसिटी बढ़ती है किसी चीज का, मास बढ़ा दिया जाता है, तो आवाज क्या होती है, कम सुनाई पड़ती है। तो जैसे ह्यूमिडिटी वैसे डेंसिटी, तो जब ज्यादा मास, ज्यादा डेंसिटी रहेगा, ज्यादा पूरा पूरा मास, लोग भरे रहेंगे खचाखच, भीड़ ज्यादा रहेगी, भीड़ समझो, तो आवाज जो है कम सुनाई पड़ेगी। और लेकिन भीड़ ज्यादा रहेगी, भीड़ कम रहेगी तो आवाज ज्यादा सुनाई पड़ेगा, ये बात सच है। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है, ये बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड घटेगी, ये घटेगा तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी, ये इसी की तरह से है। उसके बाद चौथा क्या है भाई, मॉलिक्यूलर वेट, जिसका आप नहीं जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ाओगे तो भी डिपेंड करता है, तो भी क्या होगा, हमारा स्पीड ऑफ साउंड घटेगा, इसको बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड घटता है। अब सवाल यह है कि मॉलिक्यूलर वेट ही नहीं जानते हो आप लोग, चलो टेंशन ना लो, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। देखो भाई, ऑक्सीजन गैस का नाम सुना होगा आपने, नाइट्रोजन गैस का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन गैस का नाम सुना होगा, हीलियम गैस का नाम सुना होगा, भाई ये अलग अलग गैसेस हैं। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारी गैस कौन सी है, अगर मैं इसकी बात करूं, चलो ऑक्सीजन तो हमारा मौजूद ही है नॉर्मली, नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन एक भारी गैस होता है, थोड़ा ये भारी होता है, इसका वेट ज्यादा होता है हाइड्रोजन के मुकाबले, हीलियम के मुकाबले नाइट्रोजन गैस ज्यादा भारी होता है। नाइट्रोजन गैस इसलिए क्या है, देखो जो गाड़ियों में भी यूज किया जाता है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस क्या होता है, ये इसका वजन थोड़ा भारी होता है, ठीक है, ये थोड़ा वजन होता है, और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो हल्का होता है। तो अगर चे गैस नाइट्रोजन गैस के अंदर, मान लो कहीं ऐसे नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाए, और एग्जांपल के लिए वहां पर बोला जाए हेलो,
और एक जगह हाइड्रोजन गैस भर दिया जाए और वहां पे बोला जाए हेलो, तो दोनों में कहां आवाज ज्यादा सुनाई पड़ेगी मालूम है? हाइड्रोजन गैस के अंदर। क्यों? हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, इसका मॉलिक्यूलर वेट यही है, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, इसका वेट, हाइड्रोजन का वेट कम होता है, तो जब वेट कम रहेगा तो आवाज ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन गैस के अंदर बोलोगे अगर तो आवाज ज्यादा जाएगी। नाइट्रोजन गैस अगर कहीं भरा है और आप बोल रहे हो मान लो एग्जांपल के लिए, तो वहां पे आवाज क्या है, कम सुनाई पड़ेगी, चूंकि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से भारी होता है। बात समझ में आ गया भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको मैंने बहुत डिटेल के अंदर बताया है। अब एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दे रहा हूं, बहुत मजेदार चीज है यार ये सब, एक एक पॉइंट समझने की है इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ये चैप्टर ही ऐसा है, मजेदार है पूरा, समझोगे तो मजा है, नहीं समझोगे तो लगेगा कि कुछ नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर जो आपके बुक में नहीं दे रखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी छोटी सी अलग पॉइंट बताता हूं। ये सब लिख लिया भाई, पहले मैं एक एक एग्जाम्पल करके बताया, उसको ऐसे ही भाषा में लिख देना, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी, ठीक है, मराठी, जिस भाषा में लिखना होगा उस भाषा में लिख देना, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए अब यहां पे फिर से एयर की ही मैं बात करूं। अब एक कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला था देखो ना, कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा था सोनिक, सुपर सोनिक, सब सोनिक लिखा है ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ, एक नया पॉइंट मैं बता रहा हूं भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरसोनिक वेव, सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, तो सुपरसोनिक वेव बोल दो, ऐसा बोल दो सुपरसोनिक वेव। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरसोनिक वेव क्या है भाई? कोई बोले सुपरसोनिक वेव तो इसका मतलब क्या है? सुपरसोनिक अच्छा लग रहा है ना, ये वर्ड देखकर अच्छा लग रहा है, सुपरसोनिक। तो अगर कोई बोले सुपरसोनिक वेव क्या होता है बेटा, ये आपके सिलेबस में नॉर्मल नजर नहीं आता है, समझने की जरूरत है। जब कभी भी किसी भी चीज की स्पीड एयर की स्पीड से ज्यादा हो जाए, साउंड की स्पीड, मान लो एक गाड़ी जा रही है और गाड़ी की स्पीड साउंड की भी स्पीड से ज्यादा हो जाए, जो गाड़ी से जो आवाज जनरेट हो रही है, अगर साउंड की स्पीड कितना होता भाई, 344 मान लो, 350 तक जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो 30-40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो 340-350 डिग्री सेल्सियस तक, मीटर पर सेकंड तक स्पीड ऑफ साउंड होता है। अगर किसी भी गाड़ी की स्पीड इससे भी ज्यादा हो जाए, 340-350 से भी ज्यादा हो जाए, 400 मीटर पर सेकंड हो जाए उसका आवाज, मान लो एरोप्लेन है, एरोप्लेन की आवाज अगर मान लो इससे भी ज्यादा हो जाए, 340 से भी ज्यादा हो जाए एरोप्लेन का खुद का आवाज, तो वो आवाज को हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक साउंड, सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक के लिए क्या होता है, जब स्पीड, व्हेन स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऐसे बोलते हैं, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जाए उसका स्पीड जो उससे जनरेट होगा, स्पीड जो हमारा, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड, उसके अंदर जो साउंड जनरेट होता है, व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड फॉर, साउंड फॉर एनी ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, then it is called, then it is said to be, it's said to be, said to be supersonic। इसलिए मैं लिखाता नहीं, देखो ना टाइम पास होता है, आपको यही चीज जब मैं बोल रहा हूं तो आप पीछे लेकर वीडियो देख सकते हो ना यार, इसलिए टाइम पास होता है ना, इतना इतने देर तो हम कुछ बात बता देते। तो जब स्पीड ऑफ साउंड फॉर एनी ऑब्जेक्ट, मान लो देखो ना ये दो हाथ, इसका इसका साउंड है कि नहीं, आवाज आ रही ना, अब ये आवाज, ये तो ये ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट का साउंड है। देखो अगर ये साउंड 344 मीटर पर सेकंड से भी, 344 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा तेज कर दी जाए तो वो आवाज कान को फाड़ने लगेगा
और उस वेव को, उस साउंड को सुपरसोनिक साउंड बोलेंगे, उस वेव का नाम सुपरसोनिक वेव होगा, याद रखना। तो कभी कभी जेट एरोप्लेन जो होते हैं ना, फाइटर एरोप्लेन, ऐसा लगता है आपके कान को पूरा फाड़ देगा एकदम, आवाज इतनी खतरनाक होती है। ऐसा आवाज बनाया क्यों जाता है? ताकि दुश्मन डर जाए। इतना ज्यादा आवाज जो बनाई जाती है वो डेवलप की जाती है, ऐसा नहीं आवाज को कम भी किया जा सकता है, रिड्यूस किया जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, इंसान दुश्मन डर जाएगा यार, एकदम जबरदस्त आवाज आती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो साउंड की स्पीड इससे भी ज्यादा होती है, इसके वजह से वो कान को फाड़ती है। तो उसको हम लोग, उस वेव को, उस साउंड को सुपर सोनिक वेव बोलते हैं। लेकिन अगर चेत किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से कम हो जाए, जैसे देखो ना स्पीड इसका ऑब्जेक्ट, ये हाथ है, हाथ का जो हमारा ये जो चुटकी बजा रहे, इसकी आवाज जो है, इसका जो साउंड है, ये साउंड की स्पीड से कम है, इसकी वजह से इसका नाम सब सोनिक साउंड होगा। क्या होगा? सब सोनिक, एस यू बी, सब सोनिक, सब सोनिक स्पीड या सब सोनिक वेव। लेकिन अगर स्पीड ऑफ साउंड के ही बराबर एग्जैक्ट हो जाए किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोनिक स्पीड। तो जरा बताओ ना भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सोनिक मतलब जब स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एयर हो जाए तो इसको हम लोग सोनिक बोलेंगे। अगर स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अगर कम हो जाए स्पीड ऑफ एयर से तो हम लोग उसको सब सोनिक बोलेंगे। अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हो जाए स्पीड ऑफ एयर से तो भाई इसको हम लोग सुपर सोनिक बोलेंगे। तो बोलना भाई, समझ में आया कि नहीं? इसको सुपर सोनिक बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, सब सोनिक हो जाएगा ये हमारा, और ये क्या सोनिक हो जाएगा। तो एक नया चीज भी मैंने बता दिया आपको, ये काम खत्म हो गया। बताना भाई, फैक्टर इफेक्ट्स फॉर स्पीड ऑफ साउंड ये भी मैंने क्लियर कर दिया, ये भी क्लियर कर दिया। अब आगे हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सब के बारे में बात करेंगे। एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा मजेदार है, बहुत कुछ क्लियर होगा आपके ब्रेन में, ठीक है? ओके।